वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के पहले गाने यानी कि सीटी मार के बारे में। वेल फ्रेंड्स, ये गाना द मोस्ट वांटेड ही नहीं बल्कि द मोस्ट अवेटेड सॉन्ग ऑफ द ईयर था। जब से पता चला कि सीटी मार गाना राधे और मोस्ट वांटेड भाई में होने वाला है, तो हमने इसके ट्रेलर में देखा, द डिस्कशन स्टार्टेड राइट फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ टू द ईस्ट टू द वेस्ट। हर एक आदमी इस गाने का इंतजार कर रहा था। अभी अभी 11 बजे जी म्यूजिक कंपनी पे ये गाना आया है। बट फ्रेंड्स, ये क्विक रिव्यू होगा, डिटेल ब्रेकडाउन ये गाने का मैं बाद में करूंगा, क्योंकि गाइस जो कोरियोग्राफी हमें जानी मास्टर ने दी है इस गाने में, दिस नीड्स टू बी टॉक्ड, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि गाइस सलमान खान वॉज नेवर गोइंग टू डांस लाइक अल्लू अर्जुन। एंड जब भी आप एक गाना रीमेक करते हो तो उसकी एग्जैक्ट सीन टू सीन या कॉपी टू कॉपी अगर फिल्म भी रीमेक करते हो तो उसका स्वाद जो है वो मजा नहीं आता। यू शुड पुट इन योर एलिमेंट। सलमान खान इज नोन फॉर क्वर्क्स, सलमान खान इज नोन फॉर हिज डांसिंग स्किल्स, यानी कि उनकी जो डांसिंग रहती है वो एक अलग लेवल पर रहती है। उनकी मस्ती, उनकी मजाक, उनके अलग अलग यूनिक स्टेप्स जो रहते हैं वो उनकी डांसिंग को स्पेशल बनाते हैं। इसलिए जो लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि सलमान खान अल्लू अर्जुन जैसे डांस करने वाले हैं, वेल फ्रेंड्स, दिस सॉन्ग हैज बीन रिक्रिएटेड स्पेशली फॉर सलमान खान। तो इसमें सलमान खान का जो ट्रेडमार्क रहेगा वो ही रहेगा। वेल फ्रेंड्स, बात करें वोकल्स की तो लूलिया वैंतूर, वेल फ्रेंड्स, लूलिया वैंतूर है सरप्राइज बाय लीप्स एंड बाउंस। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गाने को वो प्रॉपर तरीके से गाएंगी, लेकिन द वॉइस, द टेक्सचर, स्पेशली द डिक्शन ऑफ द सॉन्ग इज बैंग ऑन। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि क्रेडिट्स में पढ़ोगे लूलिया वैंतूर तब आपको स्ट्राइक होगा कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सॉन्ग काफी वेस्टर्नाइज्ड है, इसलिए उनकी आवाज जो है वो परफेक्ट ब्लेंड हो रही है। कमाल खान इज सुपर्ब इन दिस सॉन्ग। गाने, वोकल्स, नो कंप्लेंट। डीएसपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस गाने को रिक्रिएट किया है। लिरिक्स थोड़े वो डामाडोल लगते हैं शुरुआत में, लेकिन जब आप गाना दो बार तीन बार सुनते हो तब एक काफी ज्यादा पंजाबी जो फील आता है, झप्पी मार, वो पहले सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन जब बाद में आप आ जाते हो, फैंटास्टिक। जिन लोगों ने डीजे जो ओरिजिनल गाना है यानी कि सीटी मार वो नहीं देखा है, उनके लिए गाना ट्रीट होगा, लेकिन जिन्होंने वो गाना देखा है ओरिजिनल, उनको शायद ये गाना उतना पसंद ना आ सके। बात करें सलमान खान की तो राइट फ्रॉम हिज कॉस्ट्यूम्स टू हिज स्वैग टू हिज एंट्री, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। दूड़ा जगन्नाथम में अल्लू अर्जुन इज विद द फिजिट स्पिनर, लेकिन सलमान खान हैज हिज ओन ट्रेडमार्क चेन, ही जस्ट स्विंग्स इट एंड कम्स इन स्टाइल एंड स्वैग। लेकिन वो स्टेप, द टी शर्ट गोज ऑन टॉप ऑफ हिज हेड एंड द बेल्ट कंप्लीटली रोटेट्स, दिस विल बी अ ट्रेंड सेटर। बहुत बहुत प्यारा लगता है वो स्टेप, बहुत ही प्यारा था सलमान खान के ऊपर। बात करें दिशा पटानी की तो हर कॉस्ट्यूम्स, हर सिंगलेट्स, हर सिक्स पॉकेट बैगी जीन्स, बहुत ब्यूटीफुल आई शेडो मेकअप, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। सलमान खान और दिशा पटानी की केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन लग रही है। जितने लोगों को भी शिकायत थी कि स्लो मोशन में दोनों की केमिस्ट्री बहुत कम देर के लिए देखने मिली, ये गाना आपको फुल मील्स देता है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है कोरियोग्राफी में। बात करें सेट्स की तो गाइस, सेट डिजाइन, द यूज ऑफ द सेट्स, पूरा इतना बड़ा जो एक सेट बनाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया। बैकग्राउंड डांसर रेंजिंग फ्रॉम द फॉरेन डांसर्स टू द 6-8 पैक एब्स वाले पीछे लड़के जो खड़े हैं, सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से गाने को यूज किया, यूटिलाइज किया। ऑल इन ऑल इट्स अ ट्रेडमार्क सलमान खान सॉन्ग। सलमान खान जो गाने में अपनी मस्ती, मजा, फन लेकर आते हैं, ले 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 मजा ले, उस तरह का जो वाइब है, वॉन्टेड की पूरी वाइब इस गाने में आ गई है। बस हम इंतजार कीजिए, मैं इस गाने को प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा, स्टेप टू स्टेप, सीन टू सीन, बहुत कुछ है बात करने के लिए। ओके, तो एक क्विक रिव्यू था, जितने फैंस हैं उनके लिए प्रॉपर ब्रेकडाउन कमिंग अप इन फ्यू आवर्स। दिस इज मियां मंसारी साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।